जय महागौरी। ॐ श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः महागौरी शुभम् दद्यान् महादेव प्रमोददा। माँ दुर्गा की आठवीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। इनकी प्रतिज्ञा थी कि व्रिये अहम वरदम शंभुम नान्यम देवम महेश्वरात। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भी इन्होंने भगवान शिव के वरण के लिए कठोर संकल्प लिया था। जन्म कोटि लगिर अगर हमारी भरऊं शंभु नत रहऊं कुंवारी। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मलकर धोया तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सद्यः फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलमश धुल जाते हैं, उसके पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप संताप दैन्य दुख उसके पास कभी नहीं आते। वह सभी प्रकार के पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। माँ महागौरी का ध्यान स्मरण पूजन आराधन भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एकनिष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पादारविंदों का ध्यान करना चाहिए। ये भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती हैं। इनकी उपासना से आर्तजनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविध प्रयत्न करना चाहिए। पुराणों में इनकी महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत की ओर प्रेरित करके असत का विनाश करती हैं। हमें प्रपत्ति भाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। जय माता दी। HundredCounselors.com की ओर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।